सो गाइस दिलकर सलमान और सनी देओल की मूवी चुप का ट्रेलर रिलीज हो चुका है भाई पैन मूवीज पे। तो भाई पहले ट्रेलर देखते हैं फिर करते हैं ट्रेलर के ऊपर बातचीत। होप प्रोडक्शंस पैन स्टूडियोज। सो वी हैव गॉट अ न्यू काइंड ऑफ सीरियल किलर जो स्टार देने वालों को स्टार दे रहा है। क्रिटिक्स का क्रिटिक। ओके दिलकर सलमान जाने का मैंने सुनी बात कुछ बन ही गई। वन स्टार जाने क्या तूने कही। इज अ सीरियल किलर क्या। इज अ डायरेक्टर्स बेबी। किसी के बच्चे का रेप कैसे कर सकता है यार। जिंदा फील करने के लिए सिनेमा चाहिए। गुरुदत्त। क्या गुरुदत्त। कागज के फूल। उनकी सबसे पर्सनल और बेस्ट फिल्म को क्रिटिक्स ने ट्रैश कर दिया। डिप्रेस्ड होके उसके बाद फिल्म ही नहीं बनाई। यू क्रिटिक्स आर किलर्स। ये कोई तो खतरनाक सीरियल किलर है जो ऐसी रेटिंग दे रहा है। स्टार्स वो तुझे क्या देता है सोने की घड़ी। मैं तो आजकल भाई मेरे को डर लग रहा है देने से डरने लगा। ओके अपन भी स्टार्स वगैरह रेटिंग वगैरह देते हैं। उसकी आंखें खोल उनका टेस्ट अपग्रेड कर। भाई फाइनली सनी देओल इज बैक विद अ बैंग गाइस। रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। मूवी एक्सपीरियंस मोबाइल फोन्स और कुछ क्रिटिक्स। फक सर जो तेरा चकराए। खतरनाक होने वाला है ये। 23rd September and I am excited. इसका background music डरा रहा है मेरे को। तो भाई overall trailer काफी appealing और काफी promising नजर आ रहा है मेरे भाई सनी देओल एंड पूजा भट्ट। finally हम लोगों को काफी time बाद देखने को मिलने वाले हैं और सनी देओल भाई एक्शन करते हुए फिर से दिखने वाले हैं। दिलकर सलमान उनकी तो भाई रिसेंटली अभी मैंने सीतारामम देखी। फैन बन चुका हूँ मैं उस बंदे का और उसकी एक भी मूवीज अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये तो अपन देखेंगे जाकर क्योंकि ओवरऑल ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और थ्रिल से भरा हुआ है कि भाई एक सीरियल किलर जो रेटिंग देता है और ये बंदा मैं बता रहा हूँ खाड़ फाड़ देगा जो भी इसके सामने आएगा। एंड सनी देओल को इस बार एक टफ फाइट मिलने वाली है और हम लोगों को मज़ा आने वाला ऑडियंस को। सो ये काफ़ी एक डेडली कॉम्बिनेशन है सनी देओल दिलकर सलमान पूजा भट्ट कमाल की स्टार कास्ट ली है इस बार। सो ओवरऑल ये ट्रेलर भाई मेरे को पसंद आया। बाकी तुम लोगों की इस ट्रेलर के बारे में क्या राय तुम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।